आदाब और नमस्कार दूरदर्शन की प्रस्तुति आदाब हैदराबाद में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका स्वागत करती हूँ आज है चौदह नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे भारत के सभी बच्चों की इस मासूमियत को और भोलेपन को यह दिन सेलिब्रेट करता है भारत की भविष्य की इस पीढ़ी को डेडिकेट करते हुए यह दिन आज हम मना रहे हैं आदाब हैदराबाद में चिल्ड्रंस डे हम आज बात करने वाले हैं ऐसी ही एक छोटी सी बच्ची से उम्र छोटी है बट टैलेंट का भंडार है आइए आज हम बात करते हैं सैयदा आशना तुराबी वेलकम ये जो आपके टैलेंट के बारे में हम बात कर रहे थे आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं आप कैनवस पे सीनरीज़ और अलग अलग रंगों को जो ढाल देती हैं उसके बारे में हमें बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आ, मेरी जर्नी जब मैं एल के जी में थी तब बस ड्राइंग करती थी लखीर मांगी थी पेपर्स <laughs> पे एंड uh, मेरे फ़ादर ने उसको एक अलग लुक uh, दिया अलग रंग दिया कि ये मामली लकीर ने ये कुछ स्कीम थी लखीर है अरे आ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते इंकरेज करते आ, मुझे तब से ही वो ब्रशेस वाटर कलर्स सब ला के दे दिए थे एंड uh, 2016 में मैं कैनवस पेंट कैनवस पे पेंटिंग शुरू की आ, डैडी मुझे पेंट्स ला देते थे एंड आई स्टार्ट फर्स्ट ऑयल पेंट में ऑयल पेंट शुरू करी फर्स्ट okay. uh, उसके बाद आई uh, मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ की mm -hmm. uh, मैं कॉफ़ी एंड इंक भी यूज़ की एंड wow. थ्री uh, uh, तीन साल पहले मैं मिस्टर फवाद से मिली okay. uh, मशहूर आर्टिस्ट है वो भी Uh, उनसे भी फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातचीत हो, होती रहती है भी मुझे बहुत टिप्स देते हैं आप अपनी पेंटिंग्स में किस तरह की जान डालती हैं मतलब किस तरह की कलर्स आप यूज़ करती हैं आप कैसे उसे इतना वाइब्रेंट बनाती हैं जैसे ये पीछे हमें पेंटिंग दिख रही है ये आपने चार मीनार पर बनाई है आपको किस चीज़ से इंस्परेशन मिलती है पेंटिंग्स बनाने की इंस्परेशन देखिए मैं यूजली Uh, जो सीनरीज आते हैं गूगल्स पे या वॉल पेपर्स पे okay. वो सीनरीज ड्रॉ कर दी एंड okay. थोड़े दिन पहले ही डैडी मुझे बाहर लग गए थे हम लोग फोटो शूट किया okay. और uh, मैं वहाँ से थोड़े बहुत पेंटिंग्स ड्राइंग uh, करती थी एंड uh -huh. uh, बस यूं ही जो जो मैं नज़र में दिखा मैं बस उसको ड्रा करती थी ओके वेरी नाइस सो आप ये बताइए कि आपका बहुत जैसे आप बता रहे थे कि आपके फादर का बहुत सपोर्ट रहा है आपको पेंटिंग्स बनाने में

ग्रेट सो नॉर्मली आमतौर पर मतलब जैसे मैं भी बचपन में ड्राॅइंग करती थी पेंटिंग करती थी बट वो आज भी मुझसे ढंग से नहीं होती मतलब <laughs> मैं सिर्फ़ एक फ्लावर बना लूँगी या फिर घर बना लूँगी बट दिस इज़ इसमें बहुत नीटनेस चाहिए इसमें बहुत फिनिश चाहिए तो आमतौर पर पे, एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगता है पेंटिंग uh, बनाने के लिए फर्स्ट आपको काम रहना चाहिए पीसफुल right. माइंड यू नीट टू कम्प्लीट फोकस ऑन योर पेंटिंग वॉट वर्क यू आर डूंग एंड मुझे पेंटिंग में कंटिन्यूस थ्री टू फोर आवर्स बैठ के एक साथ करती हूँ सो इट शुड टेक मतलब एकदम कम्प्लीट पीस माइंड चाहिए आपको करने के लिए ये अगर हमारे बच्चे आज का प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें ये जानना चाहिए कि कोई भी काम करने में जितना फोकस लगता है जितना आप ध्यान से जितने पेशेंस से आप एक पेंटिंग बनाती हैं आई थिंक लाइफ में कुछ भी अगर अचीव करना है तो इतना फोकस और इतना पेशेंस चाहिए ही चाहिए तो आप अपने इस टैलेंट के जरिए आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि मतलब जो भी काम आप करो तो उसमें फोकस चाहिए पेशेंस चाहिए और फिर उसका एंड रिजल्ट इतना खूबसूरत होता है हाँ बच्चों को ये कहना चाहती हूँ अपना वक्त वीडियो गेम्स फ़ोन मोबाइल में ज़ाया मत कीजिए उसके बदर आप अपने टैलेंट में फोकस कर सकते आप अपने टैलेंट के ज़रिए आवाम को सोसाइटी को क्या मैसेज दे सकते एंड uh, कुछ काम करने से कुछ जब भी आप कुछ काम करते तो पूरा माइंड आपका पीसफुल रहना चाहिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा फोकस रहना चाहिए आपको एंड uh, तभी आप अपने लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते एंड uh, जब भी, भी आप कुछ काम करते उसे पूरा कंप्लीट करना है कंप्लीट इन द सेंस हाँ मैंने कर दिया इट्स ओके okay, वैसा नहीं यू नीड टू कम्प्लीट इन यूनिकनेस आपको कंप्लीट करके उसको एटलीस्ट पूरा उसमें लुक डालना है आपको उसमें बारीकी क्या है तभी आपको यूनिक आता है सबसे हटकर पेंटिंग बनती वो कुछ wow. चाहे वो कोसा भी काम हो पेंटिंग कुछ होकर एवरीथिंग right. आई I मीन mean, आप कितने साल की हैं? यू जस्ट फिफ्टीन राइट मतलब आपके काम में इतनी मेच्योरिटी आपके बातों में इतनी मेच्योरिटी आई थिंक दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट कि आप अपने काम में कितनी ज्यादा डूब चुकी हैं <laughs> तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है जैसे आपने बोला तो ना कि आपकी पेंटिंग बट आप भी बहुत यूनिक है सही ना मतलब इट्स वेरी नाइस टू सी कि इतनी छोटी उम्र में आप इतनी मेचोरिटी वाली बातें करती हैं okay. तो इससे आई होप कि आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं सारा टाइम सिर्फ पेंटिंग कर रही हूँ आप एग्जाम में भी सिर्फ पेंटिंग्स बना के आती है क्या? <laughs> नहीं, 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 पेंटिंग के साथ साथ चाहे पेंटिंग कुछ भी काम आप जब कर रहे हो जी काम तो काम है लेकिन उसके साथ अपने स्टडीज को डिस्टर्ब करें बगैर काम करना चाहिए एंड uh, मुझे भी स्टडीज डिस्टर्ब करे बगैर मैं अपना पेंटिंग पे फोकस कर रही हूँ जैसे कि आप बता रही थी आप टेंथ में है ना तीन हाँ. साल तो हाँ इट्स अ वेरी क्रूशियल ईयर तो अपनी पेंटिंग्स के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई भी करें बट uh, एक बात बताइए नॉर्मली ये प्रोफेशन या ये जो मैं कहूँ हॉबी आपका जो टैलेंट है ये आमतौर तो पे प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने में पेरेंट्स को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि मैं तो चाहूंगी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या फिर यू uh, नो you know, कोई ऐसा कन्वेंशनल सा प्रोफेशन चूज़ करे बट कितना सपोर्ट आपके पेरेंट्स का आपके जैसे आप बता रही थी आपके फादर का रहा है इस इस आपके टैलेंट को आगे ले जाने में फादर का रहा पेरेंट्स का रहा सिस्टर्स का का कंप्लीट फैमिली आई केन से okay. मुझे मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट कर दी है एंड पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी uh, अपने बच्चों में छुपी हुई सलाहियत जो टैलेंट रहता है वो उसको निकालना right. उसको उभारना ताकि आपका बच्चा उसमें अव्वल हो सके कामयाब हो सके right. पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को आ, सपोर्ट करे उनकी yeah. हौसला अफजाई करे ताकि उनको इंकरेज हो right. वो हो उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है yeah. तो मैं उस काम में और इंटरेस्ट दूँ जी बिल्कुल के सपोर्ट के बिना मतलब ये ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑल इसमें कैनवस लगता है पेंट्स लगते हैं इसमें मेहनत बहुत है और आ, खर्चा भी होता है तो आई थिंक आप बहुत लकी हैं कि आपके फादर आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है तो मैं एक आपको बहुत आ, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी कि आप मुझे बताइए आप आगे चल के बड़े होके क्या करना चाहती है uh, मुझे, course, right. Uh, मुझे फैमिली का सपोर्ट है सो आई कैन से मुझे कोई डर नहीं है मुझे आर्टिस्ट ही मन आए तो इसी थॉट को आप होल्ड करके रखिए हम बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद ऑन आदाब हैदराबाद जैसे कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि आप उम्र में है तो बहुत छोटी सी लेकिन टैलेंट का भंडार है तो ये जो आप, आपकी जो पेंटिंग्स की सराहना है वो ना केवल भारत में बल्कि बाहर यानी लंदन तक गई है तो ये वाक्य कैसे हुआ ये सिलसिला कैसे हुआ इस जर्नी के बारे में बताइए लंदन के बारे में ओके okay, डैडी मेरे पेंटिंग के पोस्ट करते थे वो फेसबुक पे एंड वहाँ से मिस्टर अली कॉन्टेक्ट करे और उन, उन्होंने कहा कि वो लंदन में एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं okay. उसके लिए उन, उन्हें सिक्स पेंटिंग्स चाहिए कुछ इंडिया इंडियन कल्चर के बारे में सो oh, nice. so, वो लोग खुद सेलेक्ट करके सिक्स पेंटिंग्स भेजे एंड uh, मैंने उसे पेंट किया और वहाँ पर चले भी गए और वहाँ पर इनाग्रेशन हुआ एंड mm इनाग्रेशन -hmm. में मेयर आए थे लंडन के मेयर और उन्होंने भी उन्होंने मैं भी बहुत तारीफ़ की wow. <laughs> आ, और फिर मैं वो पेंटिंग भी फेसबुक okay. पे पोस्ट करी mm -hmm. सो मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए आई wow, जस्ट okay. मैं वहाँ से भी बहुत इंस्पायर हुई एंड okay. uh, मेरे दूर दूर के रिश्तेदार जो है मेरे पूरे कजें लंडन से ऑस्ट्रेलिया uh -huh. से अमेरिका से वहाँ से भी फ़ोन आया wow. जब uh, ये पूरा न्यूज़ में टेलीकास्ट हुआ uh -huh. तब पूरे पूरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करे पूरे रिलेटिव फ़ोन करे सो मैं जब I just feel happy. <laughs> Naturally, मतलब तो इतनी जब आप मेहनत करती हैं एक पेंटिंग बनाने में जैसे कि आप पहले बता रही थी कि ऑलमोस्ट एक महीना लगता है आपको एक uh, मतलब इतनी बड़ी और इतनी सुंदर पेंटिंग बनाने में तो जब आपकी टैलेंट की इतनी अप्रिसिएशन होती है तो आई एम श्योर कि uh, आप आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है एंड आगे करने की भी आपको जो इंस्परेशन uh, मिलती है वो आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है mm -hmm. तो इसी स्टेप को आगे लेके जाते हुए जैसे आप बता रही थी कि आप प्रोफेशनली uh, पेंट करना चाहती हैं यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो um, इसका uh, हमें यू you नो know, वो बताइए कि आगे आप क्या प्लान कर रही हैं जैसे कैसे आप अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे आगे जाके मैंने एक हम लोगों ने डिसाइड नहीं जस्ट वी आर ट्राइंग हम लोग एक सब्जेक्ट लेंगे और उस पर सीरियस बनाएंगे कुछ भी सब्जेक्ट चाहे वो मोगल्स के टाइम का हो या अब प्रेजेंट टाइम का हो okay. और अब हम लोग बाहर शूटिंग के लिए भी जाने वाले हैं हम बाहर जाएंगे एक शूट करेंगे right. वहाँ से कुछ एक सब्जेक्ट लेंगे और उस पर थ्री फोर सीरीज बनाएंगे सो uh -huh. so, ऐसे हमारी प्लानिंग है अभी आपका फेवरेट टॉपिक क्या है मतलब जैसे मोन्यूमेंट्स हो गया या फिर सीनरी हो गई या फिर लैंडस्केप हो गया आपका फेवरेट आपका फेवरेट क्या है पर्सनली <laughs> मेरा पर्सनली फेवरेट सी ऐसा कुछ है ना आई जस्ट लव ऑल एवरीथिंग ओके ऐसा तो कुछ है नहीं ओके okay, लैंडस्केप ओके okay. लैंडस्केपिंग में आप कलर्स कैसे डिसाइड करती हैं कि मतलब मुझे ये कलर करना है या फिर मुझे सनसेट बताना है आप ये कलर्स कैसे डिसाइड करती है डज इट ये आपके एकदम से माइंड में आता है या फिर इस पर आप बहुत सोचती हैं जैसे मैं रात भर बैठ के सोचूंगी कि अच्छा मुझे कल ये पेंटिंग करनी है तो मैं उसमें ऐसा कलर करूँगी या ऐसा स्ट्रोक दूंगी क्योंकि कोई भी चीज़ करने में जैसे बच्चों को भी अगर हम ये बताएं कि वो करियर कोई भी चूज़ करे काम कोई भी चूज़ करे चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो भले शेफ़ बने या कुछ भी प्रोफेशन चूज करे तो उसमें बहुत सोचना होता है आप भी इतनी प्लानिंग करती है या फिर एकदम से सडनली उठ के जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना मतलब रात में उठे और बस ब्रश चलाया और बन गई पेंटिंग नहीं है जस्ट आई प्लान मैं पहले एम एफ हुसैन सर मिस्टर फातम उन लोगों के पहले मैं देखती हूँ उन लोगों का क्या आइडिया है okay. ये mm -hmm. so, okay. कि उसमें ये ऐसा है ये वैसा है सो mm -hmm. so, मैं बस उसको गौरव फिक्र करती हूँ देन okay. बहुत सोचना पड़ता है कि उसको yeah. क्या करना चाहिए कलर कहाँ कौसा यूज करना चाहिए डिजाइन कैसा बनना अगर आप एक लखीर भी तेरी हो जाती तो पूरी पेट भी ख़राब हो जाती है सही बात है सही बात है तो इसके थ्रू भी आप बच्चों को हमारे ये मैसेज बताइए आज चिल्ड्रंस डे है और मतलब तो चिल्ड्रेंस डे के ओकेजन पे हमारे आपसे आज बात कर रहे हैं तो इतने इतने से बच्चे में आप आप भी पंद्रह साल की हैं बस तो एक मतलब बच्चे में ये टैलेंट होना लंदन तक जाना वहाँ बाहर से अप्रिसिएशन मिलना इसमें मेहनत ऑफकोर्स बहुत है तो इसके थ्रू आप हमें हमारे बच्चों को ये बताइए कि मेहनत करने के बाद जो मज़ा मिलता है वो जो एप्रिसिएशन का वो आपको यू you नो know, कैसा लगा आपको अच्छा लगा कजन्स में फ्रेंड्स में आप सराहना मिली आपकी टीचर्स ने आपको अप्रीशिएट किया तो ये भी बताइए बच्चों को कि ये सारी जर्नी के बाद जो फल मिलता है उसमें मतलब मज़ा बहुत आता है हाँ आ, मुझे तो बहुत सारे फोन आए थे जैसे मैं कहा था हाँ, जिसको मैं पहचानती नहीं वो लोग मुझे फ़ोन करें अच्छा <laughs> एंड बचपन के लिए ये कहना चाहूँगी कि आपने जब भी आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरा पर लगन से करिए ताकि वो एक यूनिक चीज़ मैंने एक बात बताइए जैसे आप अभी टेंथ में हैं तो पढ़ाई का प्रेशर भी होता होगा बहुत आपकी जो मैं बोल सकती हूँ कि बचपन की जो यादें हैं उसे और स्ट्रॉन्ग किया है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है नहीं नहीं मैं अपना बचपन पेंटिंग पे फोकस कर रही हूँ स्टडीज पे फोकस कर रही हूँ इन्जॉयमेंट कर रही हूँ एवरीथिंग मल्टी टैलेंटेड है आप तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ हैंडल कर रही है कैसे घर तो पर आपके फादर का आपकी फैमिली का बट आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं सुबह जल्दी उठना है, है okay. स्कूल फिर अब तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस है हाँ. उसके बाद जस्ट थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लिया थोड़ा बहुत टीवी देख लिया थोड़ी okay. बहुत कुकिंग कर लिए फिर स्टडीज फिर पेंटिंग ये सही यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है मतलब जब इंसान सही में कुछ करना चाहता है अपने पैशन के प्रति उसे इतना ज़्यादा अगर डेडिकेशन हो तो आई एम श्योर sure कहीं ना कहीं से इंसान टाइम निकाल ही लेता है आई थिंक दिस इज ऑल्सो बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसेज दिया है अपने बच्चों को कि टाइम मत वेस्ट करो इतना कुछ है करने के लिए लाइफ में इतना कुछ है अचीव करने के लिए कि हम कहीं ना कहीं उसे एक साथ सबके पास 24 घंटे होते हैं yeah. बट उसे आप पूरी तरह से कैसे यूटिलाइज करोगे और इतना कुछ अचीव कर लोगे आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा uh, उदाहरण है जो आपकी लाइफ से बच्चे पिकअप कर सकते हैं तो आज जो ये बडिंग आर्टिस्ट हैं uh, जो बच्चे आप आज का शो देख रहे हैं आप आपकी बातें सुन रहे हैं उनमें अगर ये कोई टैलेंट है ड्राइंग का पेंटिंग का तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है स्पेसिफिकली कि कौन सा कलर पिकअप करे Uh, कैसे वो अपनी पेंटिंग के बारे में सोचें अगर ऐसे आप उन्हें थोड़े टिप्स दे सकती हैं तो टिप्स uh, तो अभी दूंगी लेकिन नॉट कम्प्लीटली जस्ट आपको फर्स्ट uh, जो पास्ट में जो फेमस आर्टिस्ट है uh -huh. आप उन्होंने की पेंटिंग गौर कीजिए Okay. ताकि आपको टिप्स ज्यादा उसमें से मिल सकते अब okay. आप जो पेंटिंग किए और ये पेंटिंग को और जो पास फेमस आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग को कंपेयर कीजिए okay. उसमें क्या डिफरेंस है आप क्या कमी कर रहे हैं okay. आपकी क्या गलती है उसमें से आप निकाल सकते हैं देन यू नीड टू नोटिस कि आपने क्या किया क्या नहीं किया कलर्स uh, भी देख समझ के लाइट डार्क करके यूज़ करना चाहिए okay. नॉट ओनली आर्टिस्ट एवरी थिंग जब आप कोई भी फील्ड में हो आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो uh -huh. काम तो करना है आपको आपको फिर आ, जो, वो फील्ड में जो मशहूर आर्टिस्ट है uh -huh. जो मशहूर जो मशहूर इंसान है वो किस तरह आपने भी हासिल किए uh -huh. उनके स्टोडीज़ पढ़िए उनका काम देखिए uh -huh. ताकि आपको और नॉलेज मिले उस बारे में right. उस फील्ड के बारे में बट इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं uh... कि एक ये है कि आप दूसरे आर्टिस्ट का काम देख कर अगर सीखो बट एक आर्टिस्ट ये भी होता है कि जो अपने मन से एकदम अपने दिमाग से कोई चीज़ क्रिएट करे मतलब तो तो बिना किसी के इन्फ्लुएंस के क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं किसी और आर्टिस्ट का काम देखूँ तो मैं शायद थोड़ा सा बायस हो जाऊँ या मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाऊँ ब इसमें क्या है आप अपने इमेजिनेशन से आप अपनी क्रिएटिविटी से जो बना सकती हैं वो भी एक टाइप का आर्टिस्ट होता है बट आप जो है आप दूसरे आर्टिस्ट के काम से इंस्पायर होके उससे बेटर करना चाहती हैं ये आपका काम करने का तरीका है तो ये ये चीज़ आपने कैसे डिसाइड करी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से उसे बिल्ड करूंगी या मैं यहाँ से इसे आगे ले जाऊंगी तो ये ये आपके फादर ने आपको इंट्रोड्यूस किया तो आप अपने फादर के साथ बैठ के डिस्कस करती हैं पहले कि ये पेंटिंग देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ मुझे इसमें आप थोड़ा सा सजेशन दीजिए <laughs> मुझे फादर दिखाते कि अब ये करो okay. <laughs> मैं नहीं बोलती वो मुझे दिखाते कि ये करो एंड okay. फिर तब मैं उसमें मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस निकालती हूँ कुछ सजेस्ट करती हूँ ओके सो मैं फर्स्ट एम एफ हुसैन सर की पेंटिंग्स देखी uh -huh. उसके बाद मेरी मुलाकात फवाद तमकान सर से हो गई okay. वो भी मुझे बहुत टिप्स दिए डैडी okay. so, uh, मुझे दिखाते फोन पे कि ये फोटो एम एफ हुसैन सर ने की है सो mm -hmm. so, आप इसमें देखो इन्होंने क्या किया उन्हें क्या दिखाना चाह रहे बस mm -hmm. एक ड्रम है एक सर्कल uh, है लाइन है mm -hmm. ये बच्चा कहता लेकिन उसमें उसमें मतलब क्या उसमें मीन क्या है okay, वो दिखाते मुझे फादर एंड uh, आप ऐसी कोई पेंटिंग बनाना चाहती हैं या आ, बनाने की सोच रही है जिसपे पेंटिंग से हम आवाम तक कोई मैसेज पहुंचा सके या फिर बच्चों के लिए या फिर जनरल पब्लिक के लिए ऐसी कोई पेंटिंग के बारे में आपने सोचा है और अगर सोचा है तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी अगर ऐसी कोई पेंटिंग आपको बनाने का मौका मिला तो मौका मिला तो मैं फर्स्ट ये जो लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस देखा जाता है Fantastic. उस बारे में पेंटिंग बनाने का सोचना अभी सोचें अगर मौका मिला तो की है तो wow. so, मैं उस बारे में बनाऊँगी पेंटिंग मतलब तो आपने बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट चूज किया है पंद्रह साल की हैं आप बट अगेन इतना मेचोरिटी वाला सब्जेक्ट इतना ये जो थॉट है आपके अंदर ये ऐसा टॉपिक पिकअप करके पेंटिंग बनाने में आप बहुत फोकस से आप बहुत डेडिकेशन से जब ये पेंटिंग करती हैं तो ये चीज़ आपकी पढ़ाई में आपको कैसे बेनिफिट करता है और आगे चल के पेंटिंग्स uh, के ज़रिए आप uh, आगे क्या करना चाहती हैं मैं uh, आगे इंटर के बाद ग्रेजुएट uh, करना uh, मुझे मास्टर्स आर्ट में करना है एंड मैंने फ्यूचर में सोचा जब भी मैं जो पेंटिंग करूँगी जब मेरी पेंटिंग्स बिकना शुरू होंगी जब वो सेल होंगी right. तब मैं हर एक पेंटिंग में से कुछ कुछ परसेंटेज निकालूंगी ज़रूरतमंद mm -hmm. uh, लोगों के लिए oh, <laughs> कुछ भी उपर, कुछ परसेंटेज हर एक एक के के ऊपर निकाल लिए सो wow, so, nice. ये मेरी प्लानिंग है तो आप ये चाहती हैं कि आपका ये जो टैलेंट है आपका ये जो पैशन है आपकी एजुकेशन के साथ ये कंबाइन हो जाए जी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बहुत लकी लोग होते हैं जिन्हें ये होता है कि काम करने में भी हमें मजा आए और यस उस उस प्रोफेशन से उन्हें पैसा भी मिले एंड आप मतलब इतनी छोटी सी एज में जब आप के मन में ये बात आई है कि आप ये पैसा चैरिटी में दें या ज़रूरतमंद लोगों को दें ये बहुत ही बहुत ही एक खूबसूरत सा था है मैं बचपन पे जब लखी मारती थी ड्राइंग करती थी पेंसिल से तब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी बट मेरे फादर को ये यकीन था जो फोटो जर् फोटो जर्नलिस्ट है उनको यकीन था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी बस मुझे सीखता पता था कि मैं एक नए दिन कुछ कर कर लूँगी अपने पेंटिंग के ज़रिए अपने आर्ट के ज़रिए सो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं जो मुझे इंक्रेज करते हैं अच्छे कमेंट्स देते हैं सो so, मैं बस यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों का दुआ आप लोगों के कमेंट्स में साथ रहे हमेशा थैंक यू सो मच आपसे बात करके आज सचमुच बहुत मज़ा आया ये देखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंद्रह साल की उम्र में आप अपनी पेंटिंग्स में इतनी जान डाल रही हैं इतने वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर रही हैं और आप जो अपने फादर के प्रति भी इतनी रिस्पेक्ट और प्यार से जब आप उनके बारे में बात करती हैं आई थिंक ये आज की जनरेशन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके टैलेंट के थ्रू आपकी लाइफ के थ्रू और इस इंटरव्यू के थ्रू सो थैंक यू आशना आप यहाँ पर आई और हम हमसे बात किया आपने आपको और आपके सब फ्रेंड्स को आपकी सिस्टर को आपकी पूरी फैमिली को वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे और इसी तरह से पेंटिंग करते रहिएगा इसी तरह से हमें अपने रंगों से एंटरटेन uh, करते रहिएगा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू आज हम बात कर रहे थे सैयदा आशना तुराबी से पंद्रह साल की उम्र में इतने सुंदर पेंटिंग्स जो ना केवल भारत में सराही गई हैं बल्कि लंदन तक गई हैं लंदन के मेयर से उन्हें अप्रिसिएशन मिला है उनकी लाइफ से उनसे आज बात करके उन्होंने इतने खूबसूरत मैसेज दिए आज की इस जनरेशन को आज के बच्चों को चिल्ड्रन्स uh, डे पे ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आदाब हैदराबाद लेकर आया है आपके लिए देखते रहिएगा आदाब हैदराबाद दिस इज़ पूनम गलेचा सेइंग थैंक यू